कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। 29 जून से 5 जुलाई के बीच क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, इस बात पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे आपके पूरे सप्ताह का हाल, लेखा जोखा कैसा बीतने वाला है, कौन कौन से तीज त्योहार आने वाले हैं, समस्याओं का समाधान भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह होने वाली विशेष घटनाओं पर। हिंदू पंचांग के साथ शुरू करते हैं, यानी कि जानते हैं कि किस दिन से शुरू होगा ये सप्ताह। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि यानी 29 जून सोमवार से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 5 जुलाई रविवार को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह जुलाई महीने के पहले दिन यानी 1 जुलाई बुधवार को देवशयनी एकादशी, जिसको आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, का त्यौहार मनाया जाएगा। 2 जुलाई गुरुवार को प्रदोष व्रत है। सप्ताह के आखिर यानी 5 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा व्रत, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है, मनाया जाएगा। इन सभी तीज त्योहारों की हमारे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करेंगे कि गोचर कौन कौन से होने वाले हैं इस सप्ताह में, किन किन ग्रहों का गोचर होगा, तो चंद्रमा तो करते ही है, इसके अलावा और भी जानेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा महीने के आखिरी दिन यानी 30 जून मंगलवार को देवगुरु बृहस्पति का धनु राशि में गोचर होगा। वहीं 5 जुलाई रविवार यानी इस सप्ताह के आखिरी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण उपछाया होगा, इसीलिए इसका सूतक नहीं लगेगा। ऐसे में इस हफ्ते चंद्रमा के साथ साथ गुरु ग्रह के गोचर का प्रभाव भी सभी 12 राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। शेयर बाजार के हाल के बारे में बात करें तो इस सप्ताह जो है 4 जुलाई तक मार्केट में मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा, जिसके चलते इत्र, नारियल के उत्पाद और चावल के शेयरों के मांग में वृद्धि होगी। जन्मदिन विशेष की बात करें, इस सप्ताह किन किन जो है मशहूर हस्तियों का जन्मदिन आता है, तो इस सप्ताह जो है सबसे पहले 29 जून से 5 जुलाई के बीच की बात कर रहे हैं, तो 30 जून को कलर्स के धारावाहिक बालिका वधु से करियर की शुरुआत करने वाली अविका गौर का जन्मदिन है। इसी दिन हिंदी फिल्मों और धारावाहिक की अभिनेत्री रह चुकी तनाज ईरानी का भी जन्मदिन है। हिंदी फिल्म अभिनेत्री और MTV की वीजे रह चुकी रिया चक्रवर्ती का जन्मदिन 1 जुलाई को है। अपनी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली स्टैंड अप हास्य कलाकार और अभिनेत्री भारती सिंह का जन्मदिन 3 जुलाई को है। 4 जुलाई को हिंदी फिल्म अभिनेत्री नीना गुप्ता का जन्मदिन है। जायद खान का जन्मदिन 5 जुलाई को है। इन सभी कलाकारों को एस्ट्रोसीज की ओर से ढेरों शुभकामनाएं, और आपको आगे बढ़ने के लिए एस्ट्रोसीज हमेशा जो है प्रोत्साहित करता है। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, किसी कलाकार के, और इनकी कुंडली देखना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जरूर विजिट करें। साथ ही एक बात आपको और बताना भूल गए, जो तीज त्यौहार है उनकी भी जानकारी चाहिए, पूजा विधि चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी है, क्या टाइमिंग होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा, ये सारी जानकारियाँ आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। यानी कह सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जानकारी का भंडार है www.astrosage.com, तो जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं अब आपके काम की चीज़ की, यानी आपके राशिफल की। बताएंगे आपको यह जो राशिफल, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा यानी मून साइन पर बेस्ड होगा। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी चंद्र राशि का आसानी से पता लगा सकते हैं। बाकी जो ग्रहण भी लगने वाला है उसका क्या असर होगा ये तो हम बताएंगे ही, उसका ओवरऑल जो है आपकी राशि पर इम्पैक्ट वो बताएंगे। अगर इसके बारे में खास तौर पर आपको जानकारी चाहिए तो उसकी जानकारी के लिए भी आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, वहां पे चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पे असर ये डिस्क्राइब करके आपको बताया गया है, और ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है हर राशि वालों को ये भी जानकारी दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में तो हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में मकर राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे और फिर दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके पिता को आर्थिक जीवन व प्रतिष्ठा में वृद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, जिससे भाग्य, धन और आध्यात्मिकता को देखा जाता है। इस समय आपको अपने जीवन साथी और प्रियतम का भी भरपूर सहयोग मिलेगा।
आप उनके साथ समय बिताते नजर आएंगे, जिससे आप दोनों का रिश्ता और मजबूत बन सकेगा। आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेगा और संभावना है कि आप गुप्त व रहस्यमय विषयों जैसे कि ज्योतिष विज्ञान आदि को समझने की सूची दर्शाएंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके करियर और कार्य क्षेत्र के भाव यानी दशम भाव में गोचर करेंगे, जिससे मकर राशि के जातकों की रचनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। आपको इस दौरान कार्य क्षेत्र में तरक्की करने के बहुत से अवसर मिलेंगे। प्रेम और रोमांस में भी वृद्धि के चलते आप प्रेमी के साथ समय बिताते नजर आएंगे। वो दाम्पत्य जातक जो परिवार में विस्तार करने का सोच रहे थे, उनके लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन की संभावना है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो सफलता और मुनाफे का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान चंद्रमा की स्थिति आपके और जीवन साथी के बीच कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। कार्य क्षेत्र पर भी आपको सफलता प्राप्त करने में कुछ परेशानी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अतिरिक्त तनाव और काम की अधिकता के चलते अपने प्रेमी और जीवन साथी को समय देने में असमर्थ रहेंगे। इसका विपरीत प्रभाव आपके रिश्तों पर साफ दिखाई देगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इसी दौरान आपके द्वादश भाव के स्वामी गुरु भी अपनी वक्री गति करते हुए चंद्रमा के साथ युति करेंगे, जिससे आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से यात्रा और विदेशी स्रोतों से अच्छा खासा मुनाफा अर्जित करने में आप सफल रहेंगे। हालांकि चंद्रमा की स्थिति आपके स्वास्थ्य जीवन को प्रभावित करेगी और आपको पेट से जुड़ा कोई विकार हो सकता है। ऐसे में इस समय अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। गुरु बृहस्पति की स्थिति आप में आध्यात्मिकता की रुचि को बढ़ाने का भी कार्य करेगी, जिससे आप दान पुण्य करते दिखाई देंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा और आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव की मजबूत स्थिति आपके प्रेम और रोमांस में वृद्धि करने का कार्य करेगी, जिससे प्रेमी जातकों को खुशी की अनुभूति होगी। आप अपने प्रियतम के साथ संवाद जारी रखते हुए अपने रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाने में सफल रहेंगे। हालांकि वैवाहिक जातकों को इस सप्ताह कुछ प्रतिकूल स्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान आप दोनों के विचारों का मतभेद उत्पन्न होगा, जिससे विपरीत प्रभाव आपके रिश्ते में विवाद उत्पन्न कर सकता है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए चांदी के ग्लास से पानी पिएं। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया कि 29 जून से 5 जुलाई के बीच कौन कौन से 30 त्यौहार हैं, आपकी राशि पर क्या असर होगा, क्या उपाय करने हैं, बहुत सारी जानकारियां दी हैं। कोई ग्रहण है वो कब है, कौन से तारीख को है, कह सकते हैं तमाम जानकारियां आपको इस हफ्ते से जुड़ी हुई मिल गई होंगी। और उम्मीद करते हैं इन जानकारियों के आधार पर आपकी जो आने वाले सप्ताह की प्लानिंग होगी वो काफी मजेदार होगी, काफी बेहतरीन होगी। और कोशिश करें अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान देने की, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए हैं, सोसाइटी में जो है अभी भी प्रॉब्लम्स है। तो कोशिश करनी है आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देने की, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने की। बाकी जानकारियां हम आपके लिए ऐसे ही लेते रहेंगे। और इस सप्ताह मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाई। कोशिश करूंगी कि जल्दी ही मैं आपके सामने वापस आ सकूं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।